अपने करियर में कभी डाउनफॉल महसूस हुआ? लेकिन आई थिंक सबको ये समझना चाहिए कि दिन है तो रात भी होती है, जब ऊपर जा रहे हैं तो नीचे आने का भी प्रिपेयर रहिए। तो लोगों ने सोशल मीडिया पे आलोचना की, जिसका आपने भी रब्ता किया कि आपने धोनी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की है अपने करियर के लिए। जी जी जी, उससे डील कैसे किया? इसका सबसे बड़ा कंसर्न है प्राइवेसी जी, कि आप कहाँ वो लाइन ड्रॉ करेंगे जब एक कंटेंट है, एक निजता का हनन होता है। आप जब व्लॉगिंग करते हैं और आप श्रेष्ठ व्लॉगर हैं भारत के, आपके जहन में क्या चलता है जब कैमरा ऑन करते हैं कि मुझे कहाँ तक फिल्माना है, कहाँ जाके बंद कर देना है? बच्चों को सम्मिलित करने को लेकर भी बहुत से सवाल हैं जी, उसको आप कैसे टैकल करते हैं? ये क्वेश्चन एक्चुअली कोर्ट ऑफ लॉ में भी डिस्कस हो चुका है। तो देखिए, सोशल मीडिया पे तो कभी आप किसी बात का जजमेंट या फैसला नहीं कर सकते। सोशल मीडिया कोई कोर्ट थोड़ी ना है। आप बच्चे को, हम कहते हैं कि यार इंडिया में बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यूएस में देखो 16 साल में बाहर निकल जाते हैं, काम करने चले जाते हैं। वही चीज़ आप अगर यहाँ रेप्लिकेट करेंगे लोग आपको गाली देंगे। बस किसी के 500 फॉलोअर्स हैं तो वो सही हो जाता है, और किसी के 5 मिलियन हैं तो वो गलत हो जाता है। विदाउट रीज़न उन्होंने कॉमेंट दे दिया। तो मैंने सिंपल सी बात की कि उनका ओपिनियन है, आप रिस्पेक्टफुली भी डिसएग्री कर सकते हैं, आपका भी पूरा हक है, आप भी नागरिक हैं। नहीं, शायद नहीं है वो ये डाउटफुल है। पार्टी के लिए खुल के वोट भी मांगे थे कि भारत में अगर अराजकता फैल रही है और डिक्टेटरशिप आ रही है, उसको हटाना है तो आप इस पार्टी के लिए वोट करिए या फिर इस अलायंस के लिए वोट करिए। अब उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया, ये क्वेश्चन ही है, और वो इस बात को कभी एड्रेस नहीं करते कि उन्होंने वोट दिया। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ओडिन स्कूल के बारे में बात करना चाहता हूं। ओडिन स्कूल अपने डेटा साइंस के ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को काफ़ी फायदा पहुंचा रहे हैं। ये लाइव इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स जो अपने विद्यार्थियों को एक स्किल डाटा साइंस प्रोफेशनल बना सकते हैं, केवल 6 महीने में इसके बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग, टेस्ट मॉडल, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग वगैरह सीखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मॉक इंटरव्यूज और एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स की वजह से यह देश के बेस्ट कोर्सेज में से एक बना है। इस फील्ड में लाइव वीकेंड क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मौजूद हैं, ताकि स्टूडेंट्स इनको जल्दी से अपनी स्पीड से पूरा कर सकें। इसके अलावा उनका डेडिकेटेड जॉब एप्लीकेशन पोर्टल भी है, जिसमें 360 डिग्री प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है, ताकि स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलने में कोई दिक्कत न हो, और अनलिमिटेड जॉब इंटरव्यूज के अवसर देने की भी कोशिश रहती है। इसके अलावा 500 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं, उनके साथ ओडिन स्कूल स्टूडेंट की तरफ से नेगोशिएट भी कर सकते हैं। ऐसी कहानियां इनकी वेबसाइट पर भरी पड़ी हैं जिन्होंने सफलता पाई है। इसमें अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उस पर आप क्लिक करके इस पर जा सकते हैं। नए कोर्स 28 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। इनके अलग अलग पेमेंट मेथड्स भी हैं। स्टूडेंट्स के बजट के मुताबिक पहले 75,000 प्लस GST, जिसमें 10,000 का अर्ली बर्ड ऑफर भी है अगर आप अभी एनरोलमेंट करते हैं। EMI ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा एक दूसरा पेमेंट मेथड भी है, सक्सेस के बाद पे करने का, यानी 40,000 अप फ्रंट पे करके बाकी की जॉब लगने पर एनुअल GST का 10% पे कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं कुमार श्याम, हमारे नए शो में, नए संस्करण में आपका स्वागत है। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो व्लॉगिंग की दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, किसी भी रवायती परिचय के मोहताज नहीं है। गौरव जी तनेजा आज हमारे मेहमान हैं। सर, आपने हमें समय दिया, और मेरे लिए ये अचरज का विषय है कि आपने आपकी उपस्थिति से इस हमारे छोटे से कार्यक्रम को बड़ा बनाया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत थैंक यू सो मच। हमारा सवाल, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी का सवाल यही है कि इतने वर्षों से यूट्यूब की दुनिया में आपने जो सफलता हासिल की है जी, और जिस तरह से सस्टेन किया है आपने अपने कैरियर को जी, क्या राज है, क्या सीक्रेट है जो आप फॉलो कर रहे हैं, जो अन्य यूट्यूबर्स को करना चाहिए? सर, सीक्रेट तो ऐसा देखिए कोई नहीं है, बट हाँ, व्लॉगिंग एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे लोग आपके कंटेंट से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं। तो आप देखेंगे स्कूल में भी, जब आपका फ्रेंड सर्कल होता है, एक बंदा होता है जो ग्रुप की जान होता है, जो थोड़ा फनी भी होता है, अच्छी बातें करता है, या कोई भी नॉर्मल सी स्टोरी होगी ना, उसको बड़े इंटरेस्टिंग में बताएगा, अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से, हाथों कैसे हिला, तो लगता है कि यार ये तो मस्त बंदा है। तो आई थिंक जो व्लॉगिंग होती है, इट इज़
मोर देन पीपल फॉलो यू एज अ पर्सन मोर देन वॉट यू डू। तो अगर आप अब देखेंगे जैसे बहुत सारी घूमने की जगह हैं, चाहे विदेश में हो चाहे भारत में हो, सब लोग वहाँ जाके कॉन्टेंट बनाते हैं, बट किसी किसी का ज़्यादा चलता है, किसी किसी का कम चलता है, जगह वही होती हैं, चीज़ें वही होती हैं, बट हाँ, तो ब्लॉगिंग इज़ मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी कनेक्शन। जब पीपल आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो आपको सब्सक्राइब करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को सब्सक्राइब करते हैं, ना कि आपके चैनल को। तो वो एक चीज़ है। बट जब से पहले हम सब लोग बड़े कैमरे से DSLR से ब्लॉगिंग करते थे, फिर अच्छे फ़ोन्स आ गए, अच्छी उसमें साउंड आ गई, अच्छी कैमरा क्वालिटी आ गई, अब तो पता भी नहीं चलता कि DSLR से कर रहे हैं या फ़ोन से कर रहे हैं। तब काफ़ी लोगों ने इस फील्ड को अपना लिया और ब्लॉगिंग एक तरीके से काफ़ी सैचुरेट हो गई थी यूट्यूब में। तो बट मेन वही है कि आप एज अ पर्सन हैं, लोग देखना चाहेंगे आपको कि नहीं। बाकी चीज़ें यह है कि ब्लॉगिंग जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं उनको समय थोड़ा कम मिलता है कि कुछ एकदम या तरंगी आइडिया सोचें, क्योंकि आज आपने व्लॉग शूट किया, रात को 8 बजे तक तो शूट चला, फिर बैठ के एडिट किया, फिर वो अपलोड करना है, जब तक अपलोड होता है फिर नेक्स्ट दिन आता है, वहाँ फिर कुछ अलग फिर शूट करना है। तो वो एक टाइम खुद को भी देना और ये निकालना कि मैं हर एक हफ्ता सोचूंगा कि मुझे नया क्या करना, तो वो लोगों को नहीं मिल पाता और वहाँ पर जाके थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। तो वो एक बहुत ज़रूरी मैं टिप देना चाहूँगा लोगों को कि यार वो अपने आप को ब्लॉगिंग करते करते ही दिमाग चलाते रहे कि अगला थोड़ा अच्छा क्या करना है, तो वहाँ सफलता का राज वहाँ थोड़ा छुपा है। कई बार होता है कि YouTube करियर में आप 6-7 साल से इसको लगातार कर रहे हैं जी, और ब्लॉगिंग लगभग नियमित ही होती है जी, हालांकि शुरुआत में आपने वह किया होगा, कई बार चैनल डाउन जाता है जी, कई बार पीक पे होता है जी, अब भी आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है कि किसी का नाम लेके आपने ये करने की कोशिश की है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको विस्तार से, लेकिन फिर भी अपने करियर में कभी डाउनफॉल महसूस हुआ, और अगर हुआ आपको तो आपने उसको उभरने से आपने क्या प्रयास किए कि आपने उसको मात दे दी? देखिए ऐसा होता है, आपको लगता है कि पहले बहुत अच्छा व्यूज सब्सक्राइबर्स लाइक रेशियो आ रहे थे, अब उतने नहीं आ रहे हैं, बट देखिए व्यूज चाहे 2 मिलियन हो चाहे 5 मिलियन हो, क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है कि क्या क्वालिटी ऑफ व्यूज़ है। देखिए जो लोग फुल टाइम करते हैं तो उनका तो करियर ही हो गया, सो उनकी तो रोज़ी रोटी ही हो गई। अब आप देखेंगे सोशल मीडिया में ऐसा भी है कि जिसके 500, अब जैसे बेस्ट एग्जांपल है, अब तो मैं खुद भी 2 ब्रांड्स रन करता हूँ, एक प्रोटीन की ब्रांड है और एक घी और ऑयल की ब्रांड है। तो हम खुद भी सोशल मीडिया में देखते हैं कि किसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे अपने स्टोरी बता सकते हैं ब्रांड की। तो हम भी अब ये देखते हैं कि उस बंदे की ऑडियंस कैसी है, क्या उनकी ऑडियंस ऐसी है जो हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर जो ऑडियंस है वो 16-17-18 की है और हमारा प्रोडक्ट 3000 का है, तो शायद वो उनको ज़रूरत भी नहीं है ना वो ख़रीद सकते हैं, तो हम फिर वहाँ नहीं जाते। या किसी के 5 मिलियन व्यूज़ हैं लेकिन हमें लगता है कि यार उनकी ऑडियंस में वर्थ नहीं, तो हम वहाँ प्रेफर करेंगे जिसके सिर्फ 1 लाख व्यूज़ हो लेकिन एक 30 साल की ऑडियंस हो, जिनकी नौकरी है, जो कमा पा रहे हैं। तो ये सोचना बिल्कुल ही गलत है यूट्यूब में। ये आपको एक ईगो बूस्टिंग एक अच्छा मसाज हो सकता है कि नंबर्स मेरे अच्छे आ रहे हैं, बट सक्सेस का इससे कोई लेना देना है ही नहीं कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। और ये मैं थोड़ा बाद में आके समझा, क्योंकि सबको लगता है कि जितने नंबर्स हैं उतनी सक्सेस है, ऐसा नहीं होता कि जिसके बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं वही सबसे ज़्यादा अर्न कर रहा हो यूट्यूब पे। तो आप कि ऑडियंस कैसी है, क्या वो मच्योर ऑडियंस है, क्या वो Tier 1 की ऑडियंस है, क्या वो कमा रही है, किस सैलरी ब्रैकेट में अगर अर्न कर रही है, तो ब्रांड भी वही देखते हैं और आप माने या ना माने यूट्यूब भी वही देखता है। अगर कोई ब्रांड अपना एड आपकी वीडियो पे लगा रही है और आपकी वीडियोस ऐसी ऑडियंस देख रही है जिसके पास वो खरीदने की पावर है, तो आपको अच्छा एड रेवेन्यू भी आएगा। सेम यूट्यूबर्स बोलते हैं यार अमेरिका में तो बहुत कमाते हैं, $50,000-$50,000 कमा लेते हैं महीने का, 100,000 डॉलर भी महीने का कमा लेंगे, यहाँ पे वही $3,000-$4,000 रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो कंजम्पशन क्लास बहुत ज़्यादा है, उनकी स्पेंडिंग पावर उतनी ज़्यादा है। अब स्टारबक्स अगर ऐड चलाता है इंडिया में, वो किसी के 10 मिलियन व्यूज़ भी हैं, वॉल्ट कैन नॉट अफोर्ड या फिर वो नहीं पसंद करेंगे स्टारबक्स जाके वो कॉफ़ी, बट US में वो कल्चर है, तो उस हिसाब से भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग इस धारणा से बाहर निकल आएँ कि जितने व्यूज़ हैं उतनी सक्सेस है यूट्यूब में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट नंबर्स से एक आपको, हम बड़ा जल्दी जज करते हैं कि नंबर्स हैं तो बड़ा क्रिएटर है, नंबर्स नहीं है तो छोटा क्रिएटर है, बट लॉन्ग टर्म में अगर कोई फुल टाइम इसको करियर देख रहा है, जब तक वो ये बात नहीं समझेगा वो गेम को नहीं समझ पा रहा है।
तो सर क्या व्यूज और सब्सक्राइबर भी मोटिवेशन का कारण बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, व्यूज और सब्सक्राइबर से तो मोटिवेशन आती है, जब आपके बढ़ रहे होते हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा होता है तो बहुत मोटिवेशन आता है, और अगले दिन और अच्छा काम करने का और 110% देने का भी मोटिवेशन आता है। लेकिन आई थिंक सबको ये समझना चाहिए कि दिन है तो रात भी होती है, जब ऊपर जा रहे हैं तो नीचे आने का भी प्रिपेयर रहिए, नॉट नीचे इन द सेंस कि बट हाँ डिप आएगा, बट अब वो आपकी मेहनत है ना, तभी तो आपका टेस्ट होगा लाइफ में। हर बार अगर अच्छा ही अच्छा चलता जा रहा है तो ऐसा है नहीं, सुख जिस दिन है तो दुख भी आएगा और दुख जब है तो सुख भी आएगा, तो ये तो साइकिल ऑफ लाइफ बोल सकते हैं इसको। एवरग्रीन लोकप्रिय तो बहुत कम लोग, बहुत कम लोग होते हैं। प्लस फिर आप मेहनत क्यों करेंगे, अगर कुछ ना करके एक बार एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया उसमें आप चलते जा रहे हैं। मतलब मुझे कोई ऐसा इंसान बता दीजिए, कोई ऐसा बिजनेस बता दीजिए, किसी की ऐसी जॉब हो जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। अरे रिलेशनशिप में भी, हस्बैंड वाइफ में उतार, कभी अच्छा टाइम चल रहा है, कभी लड़ाई हो रही है, मतलब ये तो जिंदगी का चक्र है, तो हो गई। आपकी पहचान अलग अलग है, पायलट भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, फिटनेस गाइड हैं, खुद आप फिटनेस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक पहचान धोनी फैन की भी है जी, और ये पहचान गत वर्ष ही जुड़ी जी। आपने देश का धोनी एक यात्रा की, 2400 किलोमीटर आप लगभग चले जी, ये प्रेरणा आपके भीतर कहाँ से आई और कब निर्णय किया कि ये काम करना है? ये हमने निर्णय किया था उसी साल जनवरी में, तो पहले निर्णय ये किया था कि यार इस बार मतलब CSK को सपोर्ट करते हैं और धोनी फैन थे तो ट्रक लेके जाएंगे, बड़ा सा उसमें पूरा CSK छपवा के ट्रक लेके जाएंगे। अच्छा। तो फिर ट्रक चलाना सीखा, ट्रक का लाइसेंस लिया, हैवी व्हीकल लाइसेंस लिया, कमर्शियल लाइसेंस लिया, और फिर एक चीज़ होती है कि जब आप कुछ भी करते हैं एज अ व्लॉगर तो हर चीज़ व्लॉग करते हैं, तो अगर मैं एज अ व्लॉगर होता तो मैं जब मैं ट्रक चला रहा हूँ या ट्रक का लाइसेंस ले रहा हूँ तो वो मैं पूरी जर्नी व्लॉग करता, बट उस बार वो नहीं की, क्योंकि वो था कि इसको एज अ सीरीज करेंगे, जैसे आपने कहा ना कि आप नया क्या करते हैं, तो वो हमने कहा कि चलो इसको ऐसा सीरीज बनाएंगे और ब्लॉगिंग से हट के बनाएंगे ताकि लोगों को कुछ नया दिखे। फिर बाद में ख्याल आया ना ट्रक चलाना मैं तो फिर बहुत ही आसान काम है, फिर लोग कहेंगे तो क्या ही क्या ट्रक, मैंने कहा कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो। फिर एकदम से दिमाग में आ गया कि साइकिल चलाते हो, तो मेरे घर वाले परेशान कि मई की गर्मी में साइकिल चला रहे हो तुम, पागल आगल हो। बट एक चीज़ हमेशा से मैंने ये मानी है और उसको अभी भी मानता हूँ कि इंसान ने जो ठान लिया ना वो कर लेगा, कुछ ऐसा इम्पॉसिबल काम है ही नहीं। मतलब अगर आप देखें बहुत सारी स्टोरीज आई थी लॉकडाउन में कि एक बच्ची थी अपने पिता को साइकिल में बिठा के यहाँ से वो UP तक गई, ऐसी बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आई थी, लेकिन वही है कि हाँ तो कुछ इम्पॉसिबल है नहीं। हमने कहा यार ठीक है, जो बहुत फिट हैं साइक्लिस्ट हैं वो 15 दिन में कर लेंगे, हम 18 दिन में कर लेंगे, उसमें क्या, तो मतलब लेकिन कर तो लेंगे, चाहे गिर मर पड़ के कर तो लेंगे। तो वो एक थॉट था, तो हमने भगवान का नाम लिया, निकल गए। आलोचनाएं भी बहुत हुई जी, क्योंकि धोनी उस साल लोकप्रियता के शिखर पर थे जी, और जैसा कि मैंने कहा एवरग्रीन कोई लोकप्रिय है तो धोनी है, है ना, तो 4 में आए थे, अब तक उसी शिखर पे है जी। तो लोगों ने सोशल मीडिया पे आलोचना की, जिसका आपने भी रब्ता किया कि आपने धोनी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की है अपने करियर के लिए जी जी जी, उससे डील कैसे किया? देखिए कि देखो सब यूट्यूब जो है कंटेंट बनाते हैं तो कंटेंट के लिए बनाते हैं कि उसमें जो वो स्टोरी बताना चाह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप किसी एक कॉन्टेंट पीस में काफ़ी ज़्यादा धन राशि लगा के कुछ बना रहे हैं और वो लोगों ने देखी नहीं तो फिर आपको भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। कर तो देखिए सब उसी काम के लिए कर रहे हैं जो भी कंटेंट बन रहा है यूट्यूब पे, तो ये तो था कि यार लोग देखें ज़्यादा से ज़्यादा, इस पर व्यूज़ आए ज़्यादा से ज़्यादा, बट हाँ ये एक हमेशा लोगों का क्या बोलते हैं लॉजिक हमेशा रहता ही है कि व्यूज़ के लिए किया है, वो तो किया ही है यूट्यूब पर। अब बिजनेस कर रहा हूँ तो हाँ लोग कहेंगे कि पैसे के लिए कर रहा है, भाई सारे पैसे के लिए कर रहे हैं, मतलब तो फिर मतलब इसमें क्या लॉजिक है, उसमें मैं क्या बोलूँ। तो किया उसी लिए था कि हाँ अच्छा चलेगा, चैनल अच्छा चलेगा, व्यूज आएंगे। बट दो चीज़ें होती हैं, देखिए कि अगर आप लोग कह रहे थे कि धोनी फैन नहीं है और फिर भी किया, सिर्फ व्यूज के लिए किया, देखिए दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ों को पैशन को कंबाइन करके अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उससे फिर अर्थ कमा रहे हो तो उसमें बुराई क्या है, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, किसी का नुकसान नहीं कर रहे। अब किसी डॉक्टर को क्या आप बोलेंगे कि ये एक ऑपरेशन के 5 लाख ले रहा है सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, या फिर उसके लिए बोलेंगे कि डॉक्टर तो सिर्फ पैसे के लिए काम, वो पढ़ाई की उसने, उसका मकसद है लोगों की जान बचाना, उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए अर्थ ले रहा है।
धर्म से पैसा जो कमाते हैं वो गलत है, जो सही रास्ते से कमा रहे हैं उसमें गलत किया है। तो यही था कि हाँ कि वहाँ तक गए, अगर सिर्फ व्यूज़ के लिए करना होता या सिर्फ एक पॉपुलैरिटी के लिए करना होता या धोनी से इतना लगाव या प्यार ना होता, तो वो साइकिल को दिखाने का ज़रिया, उस राइड को दिखाने का ज़रिया भी होता कि कहीं चला ली, कहीं बैठ गए सिर्फ कंटेंट के लिए। जैसे कोई फिल्म शूट होती है, फिल्म शूट में तो ऐसे ही होता है, या अगर ये सिर्फ एक शूट किसी और चैनल के लिए होता या फिर कहीं होता तो वहाँ पे सेट होता कि भैया यहाँ से यहाँ ड्राइव करेंगे और स्क्रिप्ट लिखी हुई होती कि ये करेंगे फिर ये रिएक्शन आएगा, बट वो साइकिल पूरी चली है तो उसमें तो कोई मतलब पूरी ईमानदारी से काम हुआ था और अपना जो एक्सपीरियंस था वही शेयर किया था। मैंने आपके एपिसोड देखे उस सीरीज़ के, आपकी पत्नी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। जी जी, आप उनको किस तरह याद करते हैं उस यात्रा को याद करते? नहीं, वो नहीं होती तो हम नहीं कर पाते, इम्पॉसिबल था, अकेला आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बार आप टूटते हैं। तो मैं तो दूसरे दिन ही टूट गया था, जब गए तो क्रैम्प पड़ने लगे, गर्मी बहुत थी, पसीना आने लगा, दूसरे दिन बहुत क्रैम्प आए थे। वो सीट में बैठे बैठे जो बम होती है वहाँ पूरा छिल जाता है, जांघें पूरी छिल जाती हैं, तो रोज़ यहाँ वैसलीन लगाते थे, पीछे वैसलीन लगाते थे, हाथ पूरे छिल जाते हैं पकड़े पकड़े, मेरे को थोड़ी नेक की प्रॉब्लम भी है, बैक की प्रॉब्लम भी, तो वो साइकिल ऐसे बैठना पड़ता तो यहाँ, और लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है मुझे ऊपर ट्रक गर्दन में, तो यहाँ की मसल पूरी टाइट हो गई थी, तो बट गिव अप हो गया था मेरा तो, बट कभी कभी उन्होंने मोटिवेट किया। फिर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा सेल्फिश हो गया था उस ट्रिप में, क्योंकि मैंने इनको, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा साथ में ब्लॉगिंग की है, तो मैं उसको हर जगह लेवा लेता हूँ कि मेरे साथ, क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, वाइफ है, अच्छे से जानते हैं, सब बातें शेयर कर सकता हूँ। तो एक दिन वो ब्रेक डाउन हो गई कि यार तू मुझे अपने काम के लिए हर जगह ले जाता है, बच्चे घर पे हैं अकेले, मेरे को उनकी याद आ रही है, मैं सिर्फ एक वाइफ नहीं हूँ, एक माँ भी हूँ, उनके प्रति ये सही नहीं कर रही मैं, मुझे वापस जाना है। वो ब्रेक डाउन हुआ। फिर एक बार मैं ज़्यादा बीमार हो गया था, गिर गया था मैं रास्ते में, तो उन्होंने कहा यार वापस चलते हैं, उनका वहाँ फिर ब्रेक, तो बहुत बार उनका ब्रेक डाउन हुआ, फिर मेरा हुआ कभी। और पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही है कि कभी आप उनको संभालते हैं, कभी वो आपको संभालती है, ऐसी लाइफ। कितने दिन लगे पूरे इसमें? सर 14 मई को CSK का लास्ट मैच था, तो 14 मई को हमें वहाँ चेन्नई पहुँचना था, और हम 26 या 27 अप्रैल को दिल्ली से निकले थे। धोनी तक पहुंची ये बात कि कोई व्यक्ति उनके लिए इतने किलोमीटर चल रहा है? वो मैं आपको ऑफ कैमरा बता पाऊंगा। वो मैं आपको ऑफ कैमरा बता पाऊंगा। अच्छा जी, तो लेकिन आप धोनी से एक अन्य संदर्भ में मिले, एक एड की शूटिंग में मिले, क्या अनुभव था? मैं बड़ा एक्साइटेड था। और आज जो है एक्सपीरियंस है मैदान में, तो उनकी एंट्री देखते हैं। हाँ, वो वैसे ही कूल टाइप के हैं जैसे मैदान में दिखते हैं, कि मतलब अगर आप देख रहे हैं कि बैट्समैन ने मारा, रन के लिए भागा, फील्डर के पास गई, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे मारना था, फील्डर ने उनको बॉल दे दी, तो अब हम लोग तो खेलते हैं, तो हम लोग तो वहीं पे क्या कर रहा भाई, मतलब थोड़ा गाली गलौज जो टीम में, वो जैसे बस एक नज़र देंगे उसको और वहीं काम, चुप, अंदर समेटे हुए। तो थोड़ा उनका और वैसा ही है, आते थे सेट पे, अपना टेक दिया, लाइन दिया, लेकिन जब आपके सामने बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे। पहली बार जब ऐसे आप बैठे, मैं वो बैठा हूँ, मैं तो फैन हूँ देख के ही, तो वो मेरी आंखों में देख रहे हैं, मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ, बट लग रहा है पहली बार देख रहे हैं, तो एक एक्साइटमेंट भी था, और वो अपने डायलॉग टक 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 खत्म, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि क्रिकेटर है वो, इतना बढ़िया। और मैं जब उनकी आंखों में देखूँ, मैं भूल ही गया सारे, और मुझे लगा इतने सारे डायरेक्टर खड़े, ये खड़े भाई, दिल्ली से बुलाया उसको, इतना कॉन्टेंट क्रिएटर है, बोले मेरे से बोली नहीं गई, मेरे को 3-4 बार लग गई। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए इनके सामने बैठ के, तो उन्होंने सारे अपने डायलॉग पहले बोल दिए, फिर मैं आया, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, फिर मैंने अपने डायलॉग से पहले मिले नहीं, या वो डायरेक्ट सेट पे ही आए? हाँ, वही हमारा फर्स्ट टाइम, तो जब वो आए तो मैं गया, मैंने उनके पैर छुए, तो कहता अरे यार गले मिलो यार, प्यार क्या छू रहे हो, तो बड़ा अच्छे से उन्होंने मिले। और वहाँ लेकिन ये धोनी प्रेम का जो सूत्र है आपके भीतर, गुण है, ये 2004 में पढ़ा या फिर बाद में कभी पढ़ा? ये देखिए, ये पढ़ा था वर्ल्ड कप में, जब T20 के वो पहली बार कप्तान बने थे। अच्छा। और जितवाया था, लेकिन उस समय थोड़ी लाइफ मेरी ऐसी थी कि कॉलेज ख़त्म होने वाला था, और कॉलेज के बाद क्या करना है, लाइफ को किस मोड़ पे लेके जाना है, वहाँ थोड़ा करियर बनाने में बिजी थे, तो थोड़ा क्रिकेट देखना छूट गया था उस टाइम पे। मतलब मैंने क्रिकेट देखना चालू किया था 1996 में, जब वर्ल्ड कप हुआ था, वो मुझे एक सबसे पुरानी मेमोरी मेरी वही है।
जब इंडिया श्रीलंका सेमीफाइनल था, विनोद कांबली रोए थे, श्रीलंका से हम हारे थे, वो दशहरे का दिन था उस दिन। मैं सबको कहता हूँ आज तो दशहरे का दिन है, लंका पे विजय पाएंगे इंडिया श्रीलंका। तो तब मैंने क्रिकेट देखना चालू किया था। उसके बाद क्रिकेट देखते गए, सचिन को बहुत मानते हैं। 2001 का जो फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज हुई थी कोलकाता में, हरभजन लक्ष्मण द्रविड़ स्टार्स थे, वो देखा था। तब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, मुझे याद है, तो पापा ने घर से केबल कटवा दी थी, बड़ा गुस्सा था मैं। फिर 2007 तक देखा, 2007 के बाद थोड़ा मेरा क्रिकेट से छूट गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, यूएस चला गया फ्लाइंग करने। फिर जब वापस आए एंड वर्ल्ड कप हुआ, तब देखना दोबारा शुरू किया। फिर ये मतलब मोर देन द क्रिकेट, आई थिंक आई ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम धोनी, बिकॉज वो फील्ड में रह के उनके पीछे भी क्या चल रहा है उनको पता है, और काम है, काम है, कंपोज्ड है, वो मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लाइफ में भी वो पार्ट्स मैं ला सकूँ, तो वो चीज़ें। और जब सक्सेस मिले, देखिए लाइफ में ना किसी भी मनुष्य को अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। थोड़ी सी अगर आपको सक्सेस मिलती है, अहंकार आ जाता है, आपको लगता है ये मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है, या मैंने इसको कमाया है। तो मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा चेक रखना चाहिए आपको अपने ऊपर कि कोई अहंकार भाव तो नहीं आ रहा। प्लस पिछले एक साल या छः महीने में कह लीजिए कि अहंकार आपके अंदर कहीं ना कहीं फंसा ही होता है, आपको भी नहीं पता होगा कि आपके अंदर अहंकार है, बट वो कहीं ना कहीं फंसा होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जब कुछ जीत भी रहे, तो ट्रेंड उन्होंने स्टार्ट किया था, अगर आप जीत रहे तो यार सबसे छोटा कौन है टीम में, वो आगे आके लेगा, लेकिन जब टीम को मुसीबत है तो हमेशा वो आगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो मुश्किल सवाल लेंगे। तो वहाँ से मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनसे कि यार ये चीज़ें जो है अपनी लाइफ में भी मैं लाऊं। अब आपके काम पे आते हैं और सबसे मुश्किल सवालों पे आते हैं जो आपसे लगातार पूछे जाते हैं। बिल्कुल, वो यही कि ब्लॉगिंग एक सोशल मीडिया पे नई विधा है, एक नया एक क्षेत्र बना है। अब तो पुराना हो गया, अब पुराना हो गया, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद में ही इसका विस्तार हुआ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसका सबसे बड़ा कंसर्न है प्राइवेसी जी, कि आप कहाँ वो लाइन ड्रॉ करेंगे जब एक कंटेंट है, एक निजता का हनन होता है। आप जब ब्लॉगिंग करते हैं और आप श्रेष्ठ ब्लॉगर हैं भारत के, आपके जहन में क्या चलता है जब कैमरा ऑन करते हैं कि मुझे कहाँ तक फिल्माना है, कहाँ जाके बंद कर देना है? देखिए, इतने साल से जब आप सोशल मीडिया पर, तो वो आप सोशल मीडिया आपको सिखा देता है कि कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। प्लस जो नए क्रिएटर्स हैं उनको तो थोड़ी देर की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अभी भी सीख रहे होते हैं, बट जो कर रहे हैं ऑलरेडी, थोड़े से जिनको एक्सपीरियंस है, उनको ये बात पता होनी चाहिए। क्योंकि अब देखिए, आपकी हर बात पब्लिक के सामने है और आपके थ्रू होके जा रही है, शूट आप कर रहे हैं, एडिट आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको लगता है कुछ नहीं है तो आप रोक लीजिए। बट एक बार वो पब्लिक में चली गई तो फिर आपके पास ये डिफेंस नहीं रहता कि लोग इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं या क्या कॉमेंट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ लोग किसी और चीज़ को लेके, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके लाइन क्रॉस कर देते हैं, तो वो आपके हाथ में है भी नहीं। तो आप मान के चलिए कि सोशल मीडिया की ज़िंदगी या ये लाइन या ये करियर है ही ऐसा कि थोड़ा तो आपको ट्रोल करेंगे लोग, और आपको होना ही पड़ेगा। आप उसको एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ या पार्ट ऑफ योर वर्क मानिए, ज़्यादा उसको दिल पे मत लीजिए। क्योंकि वो अगर दिल पे ले लेंगे तो फिर उसी के बारे में सोचते रहेंगे। देखिए, आपको पता है क्या लगता है, आपके 10 नेगेटिव कमेंट आ गए, आपको लगता है कि पूरी दुनिया मेरे बारे में वैसा ही सोच रही है। अरे, दुनिया में बहुत लोग हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में वो 10 लोग क्या सोच रहे हैं, बट आपको लगता है कि पूरी दुनिया आप वैसा ही सोच रही है मेरे बारे में। वो भी होता है, 200 कमेंट है, 1,00,000 लाइक है, तो हम लाइक को इग्नोर कर देते हैं। लाइक करने वाले वो लाइक कर रहे हैं ना। हाँ, कितने लोग आपके सपोर्ट में भी तो हैं। अगर आपको 10,000 लोग कह रहे हैं कि आपसे हम बहुत प्यार करते हैं, आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर 500 लोग बोल रहे हैं कि आप तो बड़े बेकार किस्म के इंसान हैं, आप उनको खुश करने में लग जाएंगे। ये तो मतलब एक इस भावना से और इस सोच से बाहर निकलना चाहिए, और तभी आप एक संतुलित जीवन जी पाएंगे। और भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता, जिसने नेगेटिव कमेंट किया है उसने भी बस आपको हिट करने के लिए थोड़ा दुख पहुंचे, उसको भी आपके बारे में कुछ नहीं पता और उसको भी फर्क नहीं पड़ता। वो आया, लिख के चला गया, उसकी ज़िंदगी हो गई, उसने अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट इन्जॉय कर लिए और आप पूरी ज़िंदगी उसके चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, मतलब बहुत लोग हैं दुनिया में श्याम भाई, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी है। उसी टाइम को आप किसी अच्छे काम में लगा दीजिए और करियर में आगे बढ़ेंगे। सर, आपके काम की
इसी से जुड़ी हुई एक आलोचना हो रहे हैं जी। और आप, आपने तो क्योंकि आपसे कोई सवाल पूछता था, आपको तो पता ही है कि कौन कौन क्या पूछ रहा है। बच्चों को सम्मिलित करने को लेकर भी बहुत से सवाल हैं जी, उसको आप कैसे टैकल करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसके मेरे दो तरीके से मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। जो आपने किया सवाल किया, हाँ वो सही बात है कि लोग बोलते हैं कि जब वो बड़े होंगे तो उनकी मेंटल स्टेट क्या होगी। ये क्वेश्चन एक्चुअली कोर्ट ऑफ लॉ में भी डिस्कस हो चुका है। जब हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था कि जब हम अपनी बेटी का कान जो है छिदवाई करने जा रहे थे, वो रो रही थी, तो उन्होंने हिंदू रिचुअल्स के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया, उसको चाइल्ड अब्यूज़ का नाम दे दिया था। ध्रुव राठी का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। वो स्टार्ट वहीं से हुआ था। अच्छा। बात लेकिन जाके वहाँ आ गई, फिर जो ऑथर है, पब्लिशर, उन्होंने पूरी स्टोरी का एक स्टोरी बना दी कि चार पांच ऐसे इंसिडेंट हुए थे लाइफ में, सबको कंपाइल करके एक आर्टिकल बना दिया। तो देखिए, सोशल मीडिया पे तो कभी आप किसी बात का जजमेंट या फैसला नहीं कर सकते। सोशल मीडिया कोई कोर्ट थोड़ी ना है। वहाँ जो लोग अपना कॉमेंट दे रहे हैं वो कोई उस विषय के बारे में बहुत कोई जानकार थोड़ी ना। लेकिन जो बात कोर्ट में डिसाइड हो गई, वो आप कोर्ट में जो बात डिसाइड होती है ना, आप मान लीजिए कि वहाँ पे सारे पहलुओं में डिस्कशन हो चुका है, विपक्ष ने अपने सारे मुद्दे रख दिए हैं, हमने अपने सारे मुद्दे रख दिए हैं, लीगैलिटी सारी डिस्कस हो चुकी है, किसमें किताब में क्या लिखा उसके, इसीलिए तो कोर्ट में टाइम लगता है, 7-8 साल लग जाते हैं एक डिसीजन आने में। तो वो फाइनल डिसीजन होता है, उसके बाद फिर कोई बोले कि इसने वो मान्य नहीं है। तो ये बात कोर्ट में भी डिस्कस हुई थी कि यार ऐसा क्या फ़र्क पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता। कोई कॉन्क्रीट प्रूफ, किसी रिसर्चर ने ऐसी कोई रिसर्च की हो, जो पब्लिशर ने वो आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा था कि केरला में कहीं से एक साइकैट्रिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा बताया था, बट वो सब मान्य नहीं था वहाँ पे, कि उनकी उतनी क्रेडिबिलिटी थी नहीं कि वो वहाँ पे वो लिख सके, ना उनकी कोई रिसर्च थी। तो दो बातें इसमें ये है कि यार मैं तो इसको हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ कि अपने बच्चों को मैं बताता हूँ, जब मेरे पे कोई हेट वीडियो भी बनता है ना, तो मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ ये देखो पापा के ऊपर गंदा बोल रहे हैं लोग, और ऐसा दुनिया में होता है। आप बच्चे को, हम कहते हैं कि यार इंडिया में बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यूएस में देखो 16 साल में बाहर निकल जाते हैं, काम करने चले जाते हैं, वही चीज़ आप अगर यहाँ रेप्लिकेट करेंगे लोग आपको गाली देंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ देखो गंदे लोग भी होते हैं, आपके ऊपर भी जब आप बड़े हो गए तो लोग ऐसा गंदा बोलेंगे, लेकिन आपने ध्यान नहीं देना, आपने अपना काम करना है और बस भगवान का नाम लेना है। तो मैं उनको हमेशा ये, मैं तो सोचता हूँ मैं उनको शुरू से स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, दिस इज अ गुड थिंग दैट आई हैव, कि मेरे बच्चों को मैं स्टार्टिंग से डे वन से उस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। अब रही बच्चों को कंटेंट पे लेने की बात, उनके साथ फोटो डालने की बात, भाई ये हर आदमी करता है। बस किसी के 500 फॉलोअर्स है तो वो सही हो जाता है, और किसी के 5 मिलियन है तो वो गलत हो जाता है। सब माँ बाप अपने बच्चों के साथ फोटो डालते हैं, कहीं वेकेशन में जा रहे तो इन्जॉय कर रहे हैं, फोटो डालते हैं या स्टोरी डालते हैं या वीडियो डालते हैं, बस उनके 20 लाइक आते हैं तो सही है, किसी के 2 लाख लाइक आते हैं तो वो गलत हो जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। एक विवाद से आपका नाता रहा इन्हीं दिनों ट्विटर पे, आपने ध्रुव राठी के बारे में उनको रीट्वीट करते हुए लिखा, उस पर उस विवाद पे आपकी क्या राय है, क्योंकि उसके बाद आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? हाँ देखिए, ट्विटर पे थोड़ा मैं कम एक्टिव हूँ आजकल, तो उन्होंने आई थिंक सदगुरु को कोई रिप्लाई दिया था, और सदगुरु ने बस अपना एक ओपिनियन रखा था कि देश का नाम पहले भारत था, जो कि फैक्ट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, राजा भरत के नाम पे नाम पड़ा था, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी प्रथा चली आ रही थी उसको तोड़ा था, राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो योग्य है वो राजा बनेगा। तो इतना बड़ा ये चेंज था उस जमाने पे कि जय जयकार हो गई उनकी, और राजा प्रजा के लिए सब कुछ होता है, उसका व्यक्तिगत जीवन अब व्यक्तिगत नहीं रहा ना, उसका जीवन अब प्रजा के लिए हो गया। तो ये राजधर्म होता है, और आप किसी के पति हैं पति धर्म भी होता है, किसी के पुत्र हैं पुत्र धर्म भी होता है, किसी के पिता है पिता धर्म भी होता है, लेकिन राजा के लिए सबसे बड़ा राजधर्म है, वो किसी का पिता पुत्र भाई पति बाद में है, लेकिन राज धर्म उसके लिए सबसे पहले। तो उस मद्देनज़र उन्होंने देश का नाम भारत कर दिया, तो सदियों से भारत नाम है। अंग्रेज जब आए तो थोड़ा इंग्लिश कल्चर आ गया, हमारी एजुकेशन चेंज हो गई, तो फिर इंडिया आ गया, उनको जगहों के नाम चेंज करने पड़े, बोल नहीं पाते थे,
कैलकटा का चेंज हुआ, चेन्नई का चेंज हुआ, मुंबई का चेंज हुआ, बट धीरे धीरे हमें समझ आई तो हमने उसको वापस चेन्नई कर दिया, बंगाल कैलकटा को कोलकाता कर दिया, बॉम्बे को मुंबई कर दिया, लेकिन भारत का रह गया, इंडिया रह गया ना। तो उन्होंने वही चीज़ की कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में भी दोनों नाम लिखे हैं, इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब जो भारत था अब इंडिया है। तो उन्होंने वही कहा कि दोनों यूज़ करने चाहिए, बट हाँ भारत भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा भारत करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि हमारा तो ब्लड लाइन वही है। तो एक ओपिनियन था सिंपल, तो उन्होंने इसको अलग लाइन पे ले गए। और देखिए इंटरनेट पे सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, बट वो उसको एंटी इंडिया, मतलब उसमें क्या एंटी इंडिया था मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप एंटी इंडिया अपना एजेंडा और प्रोपोगेंडा चला रहे हैं विदाउट रीज़न, उन्होंने ये कॉमेंट दे दिया। तो मैंने सिंपल सी बात की कि उनका ओपिनियन है, आप रिस्पेक्टफुली भी डिसएग्री कर सकते हैं, आपका भी पूरा हक है, आप भी नागरिक हैं। नहीं शायद नहीं है वो ये डाउटफुल है, है? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि भाई आप बता दीजिए कि आप भारत के, उसके बाद में आएंगे, पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ। चलो अभी के लिए मान लेते हैं कि वो है नागरिक, तो अगर आप चाहे नहीं भी हो, कहीं के भी हो, तो इंडिविजुअल तो है, पर्सन तो है, तो सोशल मीडिया पर सबको अपना हक है अपनी बात रखने का। आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर दीजिए, आपका भी ओपिनियन उतना ही मैटर करता है जितना उनका करता है, ठीक है? तो थोड़ी एज भी ज़्यादा है, आपसे बड़े भी हैं, ज्ञानी भी हैं, तो उन्होंने फिर उस बात को पर्सनल ले लिया और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कि मैंने कहा था सबको अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है, आप ऐसा क्यों करते हैं कि सिर्फ आपका ही ओपिनियन रहे इंटरनेट पे, आप डिक्टेटर टाइप क्यों बिहेव करते हैं? तो उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया। तो जब भी आपके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं होता तो फिर आप पर्सनल चले जाते हैं, तो वो पर्सनल चले गए मेरी फैमिली पे, मेरी बेटी पे, मेरे बच्चों पे, और एक उन्होंने स्क्रीनशॉट लगा दिया इंस्टाग्राम का, जो मेरा प्राइमरी सोर्स है भी नहीं, मैं तो यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्राम यूट्यूब की वजह से जो कंटेंट चलता है वहाँ पर भी उस वजह से लोग जानते हैं मुझे। तो वो बात हुई, उसके बाद फिर वो जो मुद्दा मैंने पूछा था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, वो क्वेश्चन तो खो ही गया, मुद्दा फिर कहीं और चला गया। बट हाँ, अगर किसी के पास जवाब नहीं होता तो बेस्ट होता है कि किसी और मुद्दे पे ही बात हो, तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपने कहा कि वो, आपने संशय है कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है? नहीं, देखिए हाँ, ये बात तो वही बता सकते हैं। अच्छा, ये वो नागरिक हैं भारत के कि नहीं, ये वही बता सकते हैं। और जो उन्होंने इलेक्शन पे कैंपेन किया था, उन्होंने तो एक पार्टी के लिए खुल के वोट भी मांगे थे कि भारत में अगर अराजकता फैल रही है और डिक्टेटरशिप आ रही है, उसको हटाना है, तो आप इस पार्टी के लिए वोट करिए या फिर इस अलायंस के लिए वोट करिए। तो मैं कहता हूँ उसमें भी उनका पूरा हक है बोलने का, क्योंकि उनका ओपिनियन है। अगर उनको लगता है कि एक पार्टी अच्छा काम कर रही, दूसरी नहीं कर रही, तो सबका अपना ओपिनियन है बोलने का। लेकिन हाँ, बात यह है कि ऐसे भी आई थी सोशल मीडिया पे न्यूज़ की वो अगर इतना चिंतित हैं भारत के राजनीति को लेके, और आप चेंज कर सकते हैं, आप में पावर है, चेंज करिए, तो फिर उनको भी सहयोग देना चाहिए था उसमें चेंज करने के लिए। अब उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया, ये क्वेश्चन ही है, और वो इस बात को कभी एड्रेस नहीं करते कि उन्होंने वोट दिया, नहीं दिया तो फिर क्यों नहीं दिया, या फिर उनके पास वो वोट देने का अधिकार है भी कि अब उनसे छीन लिया गया। तो ये लेकिन त्याग दिया गया, छीन लिया गया, वो वही बता सकते हैं। देखिए हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं श्योर हूँ वो इस बात को कभी एड्रेस नहीं करेंगे, वो इस बात को भी घुमा देंगे और किसी और मुद्दे पे ले जाएंगे। लेकिन अभी तक सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन उस बात को एड्रेस नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सोचता था तो मैंने उसको सपोर्ट कर दिया, आगे भी मुझे कोई पार्टी अच्छी लगी तो मैं उसको सपोर्ट कर दूंगा। लेकिन यही चीज़ कोई और करे तो वो अंधभक्त हो जाता है, या फिर कोई वो दलाल हो जाता है, वो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, खैर उसको जाने देते। नहीं, वही बात है ना कि जब हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनको भी ये रिस्पेक्ट करना चाहिए कि कोई और भी अपना ओपिनियन रख सकता है, एंड तभी एक इंटरनेट अच्छी जगह बनेगी ना। मेरा तो जो इनिशियल ट्वीट था कि यार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, प्रूफ इट शुड एग्जिस्ट, और उसको किसी को, उसका जवाब किसी को ट्रोल करके नहीं दे सकते आप। उसका जवाब देखिए, जब उन्होंने रिप्लाई किया ना, तो मैं देखते ही समझ गया कि छटपटाहट में क्या हुआ रिप्लाई है, कि सोशल ब्लेड गए होंगे, सारे प्लेटफॉर्म्स का स्क्रीनशॉट निकाला होगा जहाँ पे दिखा कि कम हो रहा है,
वहाँ पे डाल दिया। और इंस्टाग्राम है ही, मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो मेरे 4 मिलियन थे, फिर वो 3.9 ड्रॉप हो गए थे। और अभी शायद कुछ लोग दोबारा जाएंगे इस पॉडकास्ट के बाद, अब मेरे 3.7 हो गए, तो दोबारा से स्क्रीनशॉट लगाएंगे वो। बट एक होता है ना कि वो इतने फॉलोअर्स, क्या वो इंस्टाग्राम आपको खुद ही बताता है कि ये अनवेरीफाइड फॉलोअर्स हैं क्या है, वो हटा देते हैं। तो मैंने खुद ही जाके हटा दिए वो, उसमें कुछ 1.7 लाख कुछ ऐसे थे, मैंने खुद ही हटा दिए, तो इसलिए और कम हो गए। बट जैसे डिस्कस किया यार, आप ये सब थोड़ा ना करने बैठे हो, आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करो, हम भी आपकी बात को समझते हैं। किसी को, किसी की बात का जवाब को किसी के फैमिली पर जाके देना तो उचित नहीं होता। और यही बात जब हमारा केस चला था हिंदुस्तान टाइम्स के अगेंस्ट, डिवीजन बेंच थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने भी यही कहा था। जब वो आर्टिकल लिखा गया था वो मेरे ऊपर था, हवन वाली बात आपको याद होगी, वो बहुत उछली थी, वो भी ध्रुव ने कहा था, तो उस पर भी मैं आऊँगा, कभी मौका नहीं मिला उस पर बात करने का, क्योंकि क्या बात थी बताइए कोई। तो हमने ये ट्वीट किया था कि भोपाल में एक फैमिली है, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो वो बच गए थे, सबको इफेक्ट हुआ था, तो वो उन्होंने, उनका था कि वो हवन करते थे, तो हवन से एटमॉस्फेयर में ऐसी परमाणु रिलीज होते हैं जो कि हवा को शुद्ध करते हैं, और इसलिए वो बच गए। और ये एक फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है। तो उन्होंने ट्वीट किया था कि शायद उन्होंने आईआईटी से है लेकिन केमिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ी, कम्बस्चन को भी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, तो COX मतलब वहाँ 2 लगा दीजिए 3 लगा दीजिए, कोई भी गैसेस बन जाती है, COX SOX NOX निकलती हैं जो कि डेंजरस गैसेज होती हैं। अब ये केस भी कोर्ट में गया, मैंने उचित नहीं समझा कि इस बात का मैं रिप्लाई ट्विटर पे करूं, क्योंकि ट्विटर पे किसी बात का डिसीजन नहीं होता। अगर मैं वो कर भी देता तो ऐसा नहीं है कि मैंने सही बात बोल दी, वहाँ पे किसी को इतना ज्ञान भी नहीं है कि कोई ये निर्णय ले सके कि वो सही है कि गलत। तो ये मैटर कोर्ट में गया था और कभी इस पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन वहाँ हमने सारी रिसर्च हुई थी, जितने भी प्रोफेसर्स हैं बाहर के, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने इस बात पर रिसर्च की है और ये माना है कि हाँ हवन में ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं जो कि वातावरण को प्योरीफाई करती हैं, बशर्ते उसमें प्योर आम की लकड़ी हो, प्योर देसी घी हो और सब कुछ हो। अपने हमारे इंडिया के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर थे जिसने उस पर रिसर्च की है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लगाए और फिर वहाँ पर जब डिसीजन आया था तो वो आर्टिकल गलत पाया गया था और उस आर्टिकल को टेक डाउन भी किया गया था। ये कहानी थी, आप फिटनेस को लेके एक कंटेंट बनाते थे, बनाते हैं, और आपके कुछ कार्यक्रम भी चलते हैं इसको लेकर। कोविड के बाद में इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, एक ऊपर से फिटनेस दिखना, फिट दिखना जी, और एक भीतर से फिट होना, दोनों में रात दिन का फर्क है या फिर बुनियादी फर्क है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत इन दिनों या पूरी दुनिया ही कोविड के बाद में एक मेंटल स्ट्रेस से, एक मेंटल अनहेल्दीनेस से गुजर रही है। आप क्या, आपका मत क्या है, ऊपर से फिट होना पर्याप्त है या भीतर से भी नहीं, दोनों होना चाहिए। देखिए जब मैं 25 से 28 उस एज में था तब मुझे भी सिर्फ ऊपर की फिटनेस ही सब कुछ दिखती थी कि अच्छी मसल्स हों, एब्स दिख रही हों और आप अच्छा वेट उठा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अच्छी फोटो आ गई जब ऐसे क्या तो बाइसेप दिख रही है, तो वो एक एज ही ऐसी होती है श्याम भाई, तो उसमें आपको, क्योंकि तब आप कितना भी बुरा खा लें, कितना भी अल्कोहल या कुछ अब्यूज़ भी कर लें तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गन सह लेते हैं। तो जो मैं बिल्कुल इस बात में मानता था कि बाहर की फिटनेस, लेकिन कोविड के बाद हुआ और जब एज भी होने लगती है आपकी तो वो मेरे को जिम में भी चेंजेस दिखने लगे कि यार अब मेरे को ज़्यादा वार्म अप की ज़रूरत है। पहले मैं वार्म अप ही नहीं करता था, सीधा मतलब बॉडी चल रही है, बॉडी परफॉर्म कर रही है, पावर है शरीर में, अच्छा सप्लीमेंट ले रहे, अच्छी डाइट ले रहे, जाते ही 60 किलो की बेंच प्रेस स्टार्ट की और लोग हैरान, और मैं हाँ भाई पावर है चल रहा है। अब लेकिन जब लेग्स मारते हैं, वो मारते हैं तो जॉइंट्स में पता चलने लगा कि यार जॉइंट्स पे थोड़ा सा वार्म अप करने की जरूरत है, लेग्स स्पेशली अपना ख्याल रखने की जरूरत है। अब काम भी ऐसा होगा कि बैठे बैठे बहुत काम करना पड़ता है, एडिटिंग है, बैठे रहते हैं ऑफिस में तो बैक में भी थोड़ा सफर करते हैं, तो और क्या कहते हैं, फील होने लगा कि यार इंटरनल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। जब मेरे बैक के बहुत इश्यूज आए तो कोविड में घर पे बंद थे तो मैंने योगा स्टार्ट करना स्टार्ट किया, जब वो स्टार्ट किया तो बैक का बिल्कुल इशू सही हो गया, फिर मेरे को लगा यार ये तो मतलब सही चीज़ है, ऐसे नहीं बोलते कि योगा सही होगा। तो तब मैंने रियलाइज़ किया धीरे धीरे कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वेस्ट में जो बॉडी बिल्डिंग का कल्चर है वो आया बाहर से ही है,
उसमें सिर्फ प्रोटीन इतना खा लो, कार्ब्स इतना खा लो और फैट इतना खा लो, उसमें कभी इस चीज़ की बात नहीं करते कि फूड कॉम्बिनेशन, जैसे बोलते हैं कि यार फल के साथ दूध मत खाओ। जब मैंने देखा कि बचपन में यार कुछ भी खा लो, ब्लोटिंग ब्लोटिंग गैस नहीं होती थी, अब होने लगी है, तो कुछ तो चेंज है ना। मतलब खुद ही सबसे बढ़िया है, आप खुद ही अपनी बॉडी के थोड़े थोड़े चेंजेस को सुनिए और उस पर काम करिए। आपको इतनी ज़रूरत फिर नहीं लगेगी किसी बहुत बड़े व्यक्ति को सुनने की, वो आपको बताए, आपको आपकी बॉडी खुद आपको बताती है। लेकिन बाद में ये चेंजेस समझ में आने लगे कि यार जो बड़े बूढ़े कहते थे कि यार दूध के साथ ये मत खाओ या फिर रात को ये मत खाओ, उसका फ़र्क तो बाद में चल के दिखता आपको। तो फिर लगा नहीं यार, जो कहते थे ना पुराने लोगों, बिल्कुल सही कहते थे, उसको फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, इंटरनल हेल्थ और सिर्फ मसल होती है आपके पास। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जब बॉडी बिल्डर स्टेज पे खड़े होते हैं ना, आपको बड़े पावरफुल दिखते हो और रिब्ड 3% बॉडी फैट, लेकिन उस समय सबसे वीक होते हैं वो, क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड होते हैं, बॉडी में कार्ब्स नहीं होती, बॉडी में फैट नहीं होता। एक ऑप्टिमम लेवल का फैट और होना जरूरी है बॉडी के फंक्शन करने के लिए। दे आर वेरी पावरफुल, अगर आप उनको थप्पड़ मार के भाग जाओगे ना, शायद वो 100 मीटर भी आपके पीछे भाग ना पाए। एक ये भी है कि एक तो स्वस्थ होना सामान्य बॉडी है, एक बॉडी बिल्डिंग मतलब वो दिखना, मछलियाँ दिखना शरीर के ऊपर। क्या दिखना, क्या दिखना? मछलियाँ। मछलियाँ वो क्या होता है? मछली। हाँ। अच्छा, मतलब वो जो आप अपनी फिटनेस की भाषा में आप क्या कहते हैं, उससे मेरा ज्यादा मतलब रिब्ड बोलते हैं, कट्स दिख रहे हैं। अच्छा। बॉडी के कट्स दिख रहे हैं, रिब्ड नहीं, मछलियाँ। पहली बार सुना है। लेकिन फिर भी एक तो बिल्कुल स्वस्थ सामान्य बॉडी है, ज्यादा वो आपका है नहीं, पीछे केस आए काफी बड़े बड़े अभिनेता, दिखने में बड़े मतलब अच्छे दिख रहे थे, लेकिन उनको अचानक हार्ट अटैक हुआ। कुछ लोग ऐसे थे दिखने में फिट थे लेकिन वो पंखे के झूल गए। मैं उस इंटरनल मेंटल स्टेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेंटल स्टेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब भीतर से आदमी कितना मजबूत है, शरीर से आपके लिए प्राथमिक क्या है? आप ये चाहते हैं कि शरीर मजबूत हो, आदमी अंदर की जो वीकनेस है उसको भी कंट्रोल कर सकता है, या फिर अंदर से मजबूत हो तो बाहर वो मजबूत दिख सकता है? अंदर से मजबूत बहुत जरूरी भाई, पहले तो अंदर से मजबूत, मतलब अंदर से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सुबह अगर आप उठ के कुछ नहीं तो 20 मिनट अगर आप वॉक करके आ रहे हैं, अगर आप एकदम बिगनर हैं, वो तो कर ही सकते हैं ना, फ्रेश एयर मिलेगी, थोड़े से आपके हार्ट अच्छा काम करेगा, पंप करेगा। और आप यकीन मानिए ना मानिए, कभी कभी मैं इतना बिजी होता हूँ कि 4 दिन जिम नहीं जा पाता, और बहुत सारे काम होते हैं कभी कभी। देखिए, ब्रांड खोलिए, बिजनेस है, तो हर दिन अच्छा नहीं जाता आपका, बहुत टेंशन होती है, रॉ मटेरियल फंस गया, लेबल फंस गए, या फिर सामान नहीं बन पा रहा, सेल आ रही है कैसे करेंगे, या फिर वो लाइसेंस नहीं आ रहा उसको, अभी यार चाहिए अगले 10 दिन में कैसे, तो बहुत टेंशन होते हैं। या फिर यार टीम छोटी है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या फिर अब कुछ भी हो सकता है। तो 4 दिन तक मैं जिम नहीं जा पाया, 5वें दिन मैंने सब हटाया, मैंने कान में लगा ईयरपॉड, मैंने गाने करेंगे आज और वर्कआउट करेंगे। अरे भाई बहुत रिलैक्स होता है, आप यकीन ना माने, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। तो एक घंटे का टाइम, आधे घंटे का टाइम हफ्ते में 4 बार भी अगर आप देंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, और मेंटली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका रीज़न बस मैंने आपसे बात भी करा था पॉडकास्ट के पहले, कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अगर घूम गए तो लोग आपको घुमाते रहेंगे। भाई आपकी लाइफ है, कोई तीसरा बंदा आके कमेंट करके आपकी लाइफ ख़राब नहीं कर सकता। उसको इतनी पावर मत दो, उसको इतनी हैसियत मत दो, आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करें। और वो कैसे होगा? थोड़ा सा ध्यान लगाने से। ध्यान में आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप रात को सोते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, आपको लगता है मैं फ्रेश उठा आज भाई, मज़ा आ गया, मेंटली भी फ्रेश है, थकान जो होती है बॉडी की वो भी निकल जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आप डिस्कनेक्ट होते हैं दुनिया से, और आप रिलैक्स कर रहे होते हैं, बॉडी आपकी रिलैक्स कर रही होती है। दिमाग में कभी आपको सपने में आया कि मैं ट्विटर पे हूँ और मैं ट्वीट चेक कर रहा हूँ? नहीं आएगा कभी सपने में, कभी नहीं आएगा। तो आप डिस्कनेक्टेड होते हैं बाहर की दुनिया से, कि किस कौन आपको हेट दे रहा है, कौन आपकी प्रशंसा कर रहा है, नहीं, आपका माइंड बस रिलैक्स कर रहा होता है। तो वो आप जब जाग रहे हैं ना,
तभी भी आप कर सकते हैं, बस दिन में एक घंटा भूल जाइए उसको। देखिए बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, मैं भी यहाँ बैठ के ऐसा लगे कि सिर्फ ज्ञान ही दे रहा हूँ, मेरे लिए भी करना बहुत मुश्किल है, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। ऐसा होता है कि जो पॉडकास्ट में ज्ञान दे रहा है उसको लोग मानते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी है, मैं बिल्कुल आम इंसान हूँ, बिल्कुल आपकी तरह, बाकी लोगों की तरह, बट हाँ मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ। एक घंटा डिस्कनेक्ट हो जाइए, भगवान का नाम लीजिए और पूरा ध्यान भगवान में। लेकिन फिर भी आप वो करना मुश्किल इसलिए क्योंकि आपका, आप अगर कर भी रहे ना तो मन वहीं जाता है बार बार, जान लीजिए उसको, वापस खींच के लाइए, कितना जाएगा। आप मन को कंट्रोल कर रहे हैं, मन आपको कंट्रोल कर रहा है, जब मन आपको कंट्रोल करेगा इसीलिए वो दिमाग में फिर उल्टी सीधे चलती है, आप उसको जाने लीजिए, साला कितना जाएगा तू, आएगा ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, 6 महीने तक भागेगा, 1 साल तक भागेगा, कभी तो आएगा ना मेरे कंट्रोल में, भाई जिस दिन आएगा उस दिन तेरे को बताऊंगा मैं। अपने मन को आपको अपने अंडर रखना है, मन को ये नहीं कि मन आपको दौड़ा रहा, आप दौड़े जा रहे हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं ना तो आपको बहुत मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे, और फिर आपको ये सब छोटी मोटी चीज़ें की कमेंट सेक्शन में ख़राब आ गया या फिर ट्विटर में किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो उससे आप फिर इफेक्ट होना बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, आपने इतना बेशकीमती समय दिया, इतनी सुंदर बातें की, धन्यवाद। सबसे इत्मीनान भरा पॉडकास्ट संपन्न कर रहा हूँ मैं और बहुत खुशी हुई, और आप आए ये मेरे लिए बड़ा, अरे थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।